नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज, टेकेस में आप स्वागत करता हूं। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अभी नया पैकमैन रोम आया है i9082 सैमसंग ग्रैंड के लिए, उसे इंस्टॉल करके देखेंगे, फ्लैश करके देखेंगे उस रोम में क्या है। यहाँ की मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए आपको GApps चाहिए जो कि साइंड होना चाहिए, मतलब कि डेल्टा GApps, ये दोनों आप SD कार्ड में रख लो जो मैंने रख रखा है। सो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप वहां से इसे रख सकते हो SD कार्ड में। सो चलिए अब इस फ़ोन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब यहां पे आते हैं। इसमें हमने SD कार्ड में सब कुछ रख लिया, पैकमैन रोम और रिकवरी सॉरी डेल्टा GApps। सो अब हम इसे रिकवरी मोड में ऑन करेंगे। इसके लिए आपको वॉल्यूम अप बटन्स और होम की और ये होम की एंड पावर बटन एक साथ दबाना है, जो कि मैंने यहाँ दबाया। और अब ये रिकवरी मोड में ओपन होगा, जो कि ये देखिए दोस्तों, अब ये रिकवरी मोड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट 3.0। अगर आपने रिकवरी मोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, फ्लैश करते हैं, और आपने नहीं देखा तो आप मेरे दिए हुए लिंक पे जाइए। मैंने पिछले इसमें दिखा रखा है कि i9082 ग्रैंड में कैसे हम कस्टम रिकवरी मोड और सुपर SU डालते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको बैकअप लेना होगा, जो कि मेरे SD कार्ड में भी स्पेस नहीं है, सो मैं नहीं ले रहा हूँ। हालांकि आपके बैकअप ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी होता है तो आप अपने पुराने रोम पे आ सकते हो। और उसके बाद आप वाइप में जाओ, वाइप में जाकर एडवांस वाइप में, जहाँ पे आप डेल्टा प्रीलोडेड सिस्टम चेक एंड डेल्विक कैश को आप इसे वाइप कर दो। मैंने इसे वाइप कर दिया और अब ये सारा इससे डिलीट हो जाएगा, वाइपिंग हो रहा है। और इसके बाद आप इसमें रोम फ्लैश कर सकते हो, हालांकि ये हो गया है। और हम इसमें अब इंस्टॉल पे जाएंगे, और इंस्टॉल में ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पॉकमैन रोम डाल रखा है और इसमें ऐड मोर GApps, और GApps के लिए हम साइंड इन जो डेल्टा GApps है वो हमने कर लिया और इसे फ्लैश कर दिया। और दोस्तों अब ये देखो, पॉकमैन रोम इसमें फ्लैश हो रहा है, और ये करीब आपको 10 मिनट लेगा, और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो। और मैं ये कुछ वीडियो स्किप कर रहा हूँ। 10,000 महीना कमाई अभी तक। ठीक है दोस्तों, अब ये पॉकमैन रोम तो इसमें फ्लैश हो गया, और अब ये GApps इसमें फ्लैश हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये डेल्टा GApps है, जो कि एंड्रॉइड 6 के लिए है। और हाँ दोस्तों, पॉकमैन रोम में आप डेल्टा GApps ही यूज कीजिए, क्योंकि ओपन GApps में ये बूट लूप आ सकता है, ये बार बार रीबूट होगा, सो अच्छा नहीं होगा। अब ये हो गया। और हाँ दोस्तों, फ्लैश करने के बाद आप इसे वाइप डेल्विक कैश और कैश मेमोरी को जरूर वाइप कीजिए, और इसके बाद इसे रिबूट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए, अब मैंने इसे रिबूट कर दिया और अब इसमें पॉकमैन रोम इंस्टॉल हो गया है। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है दोस्तों, ये इसका बोट इमेज है, जो कि आप देख सकते हो, ये और रेड येलो एंड येलो रेड। ये हालांकि ये एंड्रॉयड N का भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, एंड्रॉयड N का भी बोट इमेज इसी टाइप का है, जो कि आपको एंड्रॉयड N थीम मिल जाएगा, जिसमें एंड्रॉयड N का बोट इमेज मिल जाएगा। और ये साइनोजन मोड पे है, सो हालांकि इसमें हो गई थीम के लिए, सो इसके लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं ये वीडियो थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ जब तक ये ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो इसमें नया लोगो आया है, मतलब कि अब ये ऑप्टिमाइज हो रहा है। और इसमें भी 94 ऐप्स है जिसे अब ये ऑप्टिमाइज करेगा, और ये ऑप्टिमाइज करने में करीब करीब ये 5 से 6 मिनट जरूर लेगा। सो आप 5-6 मिनट वेट कर लीजिए, और इसके बाद आप रोम टेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं थोड़ा सा ये वीडियो स्किप कर रहा हूँ जब तक ये 90% तक ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये 93 ऐप्स जो है सो ऑप्टिमाइज हो चुका है, और बस अब एक और ऐप्स रहता है, उसके होते ही हम रोम टेस्ट कर सकते हैं। और आप देखिए इसके रिव्यू में भी,
दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये गूगल प्ले स्टोर जो है सो हैवी एप्स है और ये ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा टाइम लेगा, सो कोई वरीड होने की बात नहीं है। अगर आपके फ़ोन में ये थोड़ा लेट लगता है, थोड़ा टाइम लेता है, तो आप इसे ज़रूर टाइम दीजिए क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। और उसके बाद ये अब स्टार्टिंग ऐप्स हो रहा है, ये देखिए, और जस्ट ये फिनिश हो गया, बूट अप होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अब ये आ गया हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। और अब ये मुझे वाईफाई कनेक्ट करना होगा इसमें, सो मैं अब वाईफाई कनेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रोम में कुछ बग्स है क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली सेटिंग्स बंद हो गया है। सो अब देखते हैं क्या होता है। ये रोम अभी कल ही अपलोड करा गया है XDA पे, सो आप समझ सकते हो। हालांकि मुझे पता नहीं है इसमें बग्स है या नहीं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मैं स्किप कर दे रहा हूँ अभी गूगल अकाउंट के लिए, और हम यहाँ आ गए इसके वॉल पे। ये साइनोजन बेस है, सो आप देख सकते हैं इसमें साइनोजन का सब है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें साइनोजन मोड के तरह सब कुछ, और इसमें एक नया पैक कंसोल है, और हालांकि मुझे नहीं पता ये क्या है। ओके, ये रोम इन्फॉर्मेशन, और ये इसका नोटिफिकेशन पैनल, और सेटिंग, हाँ सेटिंग ओपन हो रहा है। सो आप देखिए इसमें एंड्रॉयड का वर्जन जो है पैकमैन रोम और एंड्रॉयड 6.0.1 मैश में लो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, कहीं पर आप टाइम लैप्स करना चाहते हो, तो आप ये गेम खेल सकते हो जो कि फ्री है। और इसका मैं कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि कैमरा में मुझे कोई ज़्यादा कुछ, ये साइनोजन बेस पे बेस्ड है, सो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साइनोजन मोड के जैसा ही है। सो और गैलरी भी सेम है वही, ऑडियो एफेक्ट्स इसमें भी मिलेगा आपको, ब्राउजर मिलेगा। देख लेते हैं ब्राउजर इसका काम कर रहा है या नहीं। जी दोस्तों, इसका ब्राउजर काम कर रहा है, कोई वरीड होने की बात नहीं है, आप इसका ब्राउजर चला सकते हो। और कॉन्टेक्ट फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर वही साइनोजन मोड बेस्ड, सो सेम है। ठीक है दोस्तों, और इसमें म्यूजिक प्लेयर, ऐसा मुझे कोई बग्स लग नहीं रहा है, सो आप ये रोम जरूर यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसका गैलरी भी इसका ओपन हो रहा है, इसमें कोई ऐसा बग्स मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, और ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।